नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आरजे। साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 का जो ऑफिशियल तैयारी हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं एवं भुगतान प्रारंभ करने है वो बताई गई है 10 फरवरी 2024। 10 फरवरी 2024 से जो है आप रजिस्ट्रेशन वो शुरू, और जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट बताई गई है वो है 23 फरवरी 2024, यानी कि 10 फरवरी 2024 से आप अपना रजिस्ट्रेशन वो शुरू कर सकते हैं और 23 फरवरी 2024 आप जो फॉर्म की फीस वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आप विलम्ब शुल्क के साथ में जो है रजिस्ट्रेशन भुगतान करना चाहते, 25 फरवरी लास्ट डेट है। अगर आप 23 फरवरी तक जो है फॉर्म फिल कर पाते हैं, 25 फरवरी तक आप जो है विलम्ब शुल्क के साथ में जो है अपना रजिस्ट्रेशन और जो आपकी फॉर्म की फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके 10 फरवरी से, और ऑनलाइन आवेदन वो बताई गई है 25 फरवरी, और ये अविस्तारणीय है, यानी कि डेट है, इसके आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, ये यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया गया। तो आप लेट मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि शुरुआत के ही जो 4-5 दिनों में आपका जो फॉर्म है फिल हो जाए, कि नहीं तो लास्ट में कभी साइट बिजी हो जाएगी, कभी ऐसे करके बहुत सारे आ जाते हैं। ये कोशिश ये करिए कि शुरुआत में ही जो आपके फॉर्म वगैरह हैं वो फिल हो जाए। तो रजिस्ट्रेशन जो है 10 फरवरी 2024 से आपका शुरू हो जाएगा और 25 फरवरी 2024 तक आप अपना जो फॉर्म है उसे फिल कर। अगर आप डिटेल में इसका जो है जानकारी देखना, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.bps.bis.nic.in, वहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। हालांकि हम लोग है आपके लिए जो है डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो लेकर आएंगे, और PRT के लिए, इसके अलावा जो है आपका TGT के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस। एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज, क्या इसमें या फिर इसमें कैंडिडेट हैं वो क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए यहाँ पर देखो पहले क्लियर कर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा है कि इस विज्ञापन हेतु दिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा और एस्टेट जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो सीटेट और एस्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा पाएंगे, ये पहले यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताए दे रहा हूँ, बाद में हम लोग जो है अलग से जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे 1-5 के लिए अलग, 6-8 के लिए अलग, 9-10 के लिए अलग, और 11-12 के लिए अलग, और वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, अगर जो है आप 1 से 5 तक यानी कि PRT में अध्यापक बनना चाहें तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आपका सीटेट पेपर 1 और या फिर पेपर 1 पर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 1-5 में अप्लाई, 1-5 के लिए आपका सीटेट पेपर 1 और है वो आपका क्वालिफाई होना आवश्यक है। अगर आप मध्य विद्यालय में जो है अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सीट या फिर जो पेपर 2 इनमें से कोई है पेपर आपका क्वालिफाई हो। अगर आप माध्यमिक विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10 के लिए, वहाँ पर आपका जो है एस्टेट का जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 11 और 12 के लिए, पर आपका जो एस्टेट पेपर 2 है क्वालिफाई होना। बाकी 1-5, 6-8, 9-10 और 11-12 के लिए जो है एक अलग से हम लोग डेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपका जो सिलेबस वगैरह रहेगा वो क्या रहेगा, तो हम लोग जो है एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है जो ये डेट है ये आपको ध्यान रखनी है, 10 फरवरी से जो आपका फॉर्म जो है वो करना शुरू हो जाएगा और 25 फरवरी तक अपना फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। BPSC तैयारी 3.0 का ऑफिशियल जारी हो गया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको जो है साइट का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल पर जा सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और वहीं पे डैशबोर्ड पे जो है आप अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। कल आज के लिए जल्दी मिलते हैं, गुड बाय।